बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। होम्योपैथिक मेडिसन कार्बोवेज का ताल्लुक प्लांट ग्रुप से है। वेजिटेबल वुड चारकोल से ये बनती है, लकड़ी का कोयला, इससे ये मेडिसन तैयार की जाती है। कार्बोवेज को अगर देखा जाए तो ये एक एंटीसोरिक मेडिसन है। इट इज़ अ ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसन। तो ये कहाँ पे काम आती है? इसकी ड्रग पिक्चर को दो बड़े अल्फाज बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, डिसइंटेग्रेशन एंड इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की कमी और मुख्तलिफ किस्म की तोड़ फोड़, लो वाइटैलिटी, वाइटल पावर कम हो जाती है इंसानी जिस्म के अंदर। ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? तो इसके डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहला, किसी वजह से ब्लड लॉस हो जाए, कोई ऐसी इंजरी, एक्सीडेंट या डिजीज़ जिसमें फ्लूइड्स का लॉस होता है, फ्लूइड्स लॉस की वजह से वाइटल पावर कम हो जाती है। नंबर दो, कोई क्रॉनिक डिजीज़, उसके बाद की हालतें, लंबे बुखार के बाद, कैंसर, अल्सर्स और जो बेशुमार क्रॉनिक डिजीज़ हैं, ये डायबिटीज़ वगैरह, इनके बाद की हालतें, इनकी वजह से जो वाइटैलिटी लो हो जाती है। नंबर तीन, आफ्टर ड्रगिंग, गलत किस्म की अदवायात खाने से। ये सेल्फ मेडिकेशन का नतीजा भी हो सकता है, या वो मरीज़ जो एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे के पास से तीसरे घूमते रहते हैं, किसी एक जगह टिक के इलाज नहीं करवाते, उनके अंदर ये चीज़ें देखने में मिलती हैं। अब मेडिसन्स जो वो आगे पीछे से ले रहे हैं, इनका असर ब्लड पर होता है, सेहत इम्प्रूव होने की बजाय मज़ीद बिगड़ जाती है, वीकनेस आती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो पर असर आता है इसका, ब्लड स्टैग्नेंट इन कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर खून की गर्दिश रुक जाती है। कैपिलरीज जो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं, जिसने एक एक सेल को ब्लड सर्कुलेट करना है, वहाँ पे उसकी गर्दिश रुक जाती है। नतीजा क्या होता है? ब्लूनेस, कोल्डनेस, ए बॉडी बिकम्स ब्लू एंड आइसी कोल्ड, नीलाहट नज़र आती है जिस्म के ऊपर, जिस्म सर्द होता है। अब ये ब्लूनेस ब्रूजिज वाली ब्लूनेस नहीं है, ये कैपिलरीज की ब्लूनेस है। पेशानी पर कैपिलरीज ब्लू नज़र आती हैं, हाथों पर, पाँव पर, टांगों पर ब्लड वेसल्स नज़र आती हैं, वेरिकोज वेन्स मिलती हैं इसके अंदर, उभरी हुई वरीदें, ये जो वेन्स हैं ये नज़र आती हैं उभरी हुई। तो इसके अंदर इस तरह की ब्लूनेस होती है, वेन्स के अंदर कंजेशन आती है। इस स्लो सर्कुलेशन की वजह से फिर इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, अब इस इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन की वजह से जो ड्रग पिक्चर मिलेगी, जो पेशेंट की जो अलामत मिलेंगी, वो कैसी हैं? क्लैप्स, फेंटनेस, ऑलमोस्ट लाइफलेस पेशेंट, बेहोशी आती है मरीज में, जिस्म और सांस सर्द होता है लेकिन सर गर्म होता है, नब्ज उसकी कमज़ोर है, सांस रुकता है या तेज़ी से चलता है, स्किन ब्लू होती है उसकी, नीली रंगत, इसके अंदर ऑक्सीजन का मैं अभी से ऑक्सीजन बाहर से चाहिए, तो मरीज़ को हवा की ख्वाहिश होती है, पंखा ऑन करेगा, खिड़कियां दरवाज़े चाहेगा कि खुले हों, ताज़ा हवा चाहिए होती है। फिर उसे चक्कर आते हैं, वर्टिगो विद नोज़िया एंड टिनिटस, इसके चक्कर आते हैं, इसके साथ उसे मतली का एहसास होता है, उसके कानों में जैसे घंटियाँ बजती हैं, निढाल मरीज़ मिलता है हमें इसके अंदर। ज़रा सा काम करता है, चलता है तो उसका सांस फूलता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है तो सांस फूलता है, आसानी से फेंट हो जाता है। अब इस इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन की वजह से जो डिसइंटेग्रेशन होती है, तो हेमरेजेस नज़र आते हैं म्यूकस सरफेसेस में, जो बलगमी झिल्लियाँ, इनसे खून आता है, तो क्या होगा? पायोरिया मिलेगा, मसूड़ों से खून आना, एपिस्टेक्सिस मिलती है विद पेल फेस, माथे पर पिंपल्स, लंग्स से खून आता है, एज़मा, फेंटनेस के साथ, ब्लू स्किन के साथ, वेरिकोज वेन्स मिलती हैं, फूली हुई रगें। अब ऐसा मरीज़ काहिल और सुस्त होता है, इसकी जो बीमारी है, इसकी जो हालत है, वो इसे काहिल और सुस्त बना देती है, सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, फिज़िकली नहीं, इंटरनली भी, उसके जो सिस्टम्स हैं वो हिल के काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको घबराहट होती है, उसका सांस फूलता है, उसके अंदर के सिस्टम भी स्लो होते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। फिर जो इफ़ेक्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, हमने देखा कि एज़मा के अटैक्स आते हैं इसके अंदर, फिर नतीजतन ब्लड आता है लंग्स से, वो खून थूकता है, उसके मुंह में खून आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका इफ़ेक्ट बहुत वाजिया होता है, स्लो डाइजेशन,
जो मैदा, स्टमक, ये सही से काम नहीं करता। खुराक इसमें हज़म होने से पहले गलना सड़ना शुरू हो जाती है, वो खुराक अंदर पड़ी रहती है, हज़म नहीं होती। फूड पट्रीफाइज बिफोर इट डाइजेस्ट, वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, फिर वो बजाय जिस्म का हिस्सा बनने के उल्टा नुकसान देती है, जिसकी वजह से इरेक्टेशंस मिलती हैं, फ्लैटुलेंस मिलती है, गैस मिलती है। अब गैस खारिज हो रही है इरेक्टेशंस के थ्रू, फ्लैटुलेंस के थ्रू। वो खाता पीता है तो गैस बनना शुरू हो जाती है पट्रीफिकेशन की वजह से। अब इसकी वजह से सोर इरेक्टेशंस मिलती हैं, खट्टी डकारें, स्मेली डकारें, फिर दर्द मिलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब वो जो दर्द हैं, जो इसके पेन्स हैं, वो चेस्ट की तरफ एक्सटेंड करते हैं, गैस के साथ ऊपर की तरफ वो मूव करते हैं। गैस ऊपर उठती है, फुलनेस का एहसास होता है इसके स्टमक के अंदर, क्रैम्पिंग पेन्स मिलते हैं। अब इन पेन्स की वजह से ये पेन्स मजबूर करते हैं पेशेंट को आगे झुकने पर, फोर्सिंग पेशेंट टू बेंड डबल, आगे झुकने पर मजबूर करते हैं। अब इस लो डाइजेशन की वजह से मरीज़ ऐसी खुराक नहीं खा सकता जो देर से हज़म होती है, जैसे गोश्त है, फैटी थिंग्स हैं, तो ऐसी चीज़ों से तकलीफ़ में इजाफा होता है। मिल्क की एवर्शन मिलती है, लीवर के दर्द मिलते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता है। टाइट कपड़ा, बेल्ट वगैरह पेट के गिर्द बर्दाश्त नहीं होते, कमर के गिर्द बर्दाश्त नहीं होते। स्टूल्स के साथ इचिंग और बर्निंग मिलती है, एनस के अंदर, रेक्टम के अंदर इचिंग और बर्निंग मिलती है। फिर हेमराइड्स मिलते हैं, बर्निंग पाइल्स। स्टूल पास करने के बाद दर्दें और जलन होती है। फीमेल के अंदर लिकोरिया मिलता है ड्यूरिंग साइकिल, हाथों और पाँव में जलन होती है। नर्सिंग वूमेन में, क्योंकि उसकी वाइटैलिटी भी लो होती है, तो उसके गैस्ट्रेलजिया में भी अगर फ्लैटुलेंस है साथ, तो कार्बोवेज उसे ठीक कर देती है। इसके मरीज में जनरल डिबिलिटी मिलती है, कमज़ोरी। कमज़ोरी की वजह से फिर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, फ्रेशनेस नहीं रहती चेहरे पे, मरीज़ थका थका सा नज़र आता है। फिर इस इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन की वजह से, जो फूड की पट्रीफिकेशन होती है, उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का चांस बढ़ जाता है। स्टमक के अंदर ब्लड की ऑक्सीडेशन कम है, उसके अंदर बैक्टीरिया को परवरिश पाने का मौका मिल जाता है, तो फिर तरह तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और वाइटैलिटी पहले ही लो है, तो बॉडी सही तरीके से फाइट करने के काबिल नहीं होती, कार्बोवेज उसको फाइट करने के काबिल बना देती है। कैसे? कोयले के अंदर बड़ी खसूसियत होती है ऑक्सीजन जज़ब करने की, अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन जज़ब कर लेता है, तो इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथिक सिस्टम में। कार्बोवेज जिस्म में ऑक्सीजन एब्जॉर्बशन बढ़ा देती है, ब्लड सर्कुलेशन जो स्लो हुई पड़ी होती है वो ठीक हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ख़त्म होगी। तो ये अभी हमने जिस ड्रग पिक्चर की बात की है, ये सारी ख़त्म हो जाएंगी, बॉडी के सिस्टम ठीक काम करेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जिस्म फाइट करने के काबिल हो जाएगा। अब अगर इसकी मोडालिटीज़ देखें तो इरेक्टेशन से आराम आता है, ज़ाहिर है अंदर गैस बन रही है, फ्लैटुलेंस से आराम आता है, तो गैस निकलती है तो आराम आता है। अब इसका मसला लेटने से ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस ऊपर की तरफ जाती है तो रेस्पिरेशन मुश्किल हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, ताज़ा हवा से इसको आराम मिलता है। तो अब कार्बोवेज क्या है? इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन है और डिसइंटेग्रेशन है। ओल्ड एज में जो लो वाइटैलिटी मिलती है, वहाँ पर भी ये काम आती है। और अगर कोई केस क्लियर नहीं है, अलामात उसकी कुछ मुझ हुई हैं, कोई समझ नहीं आ रही ड्रग पिक्चर की, तो वहाँ पे कार्बोवेज अलामात को क्लियर कर देती है, ड्रग पिक्चर को क्लियर कर देती है। इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसन्स काली कार्बें, ड्रोसरा, चाइना और आर्सेनिक। अब जो नेक्स्ट मेडिसन है वो है चाइना, नेक्स्ट हम चाइना पे बात करेंगे। इजाज़त दें इस दुआ के साथ, अल्लाह हमारे नसीब, हमारे मुकद्दर अच्छे करे, हमारे लिए आसानियां करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।